अपना यहाँ घर है तिलका माझी। तिलका माझी में मेरे घर के पूर्व में अवैध कब्जा कर रात दिन गांजा शराब दारू सब चीज वहाँ होता है। बहुत कम है, उसमें से एक है जो कि अतिक्रमण संबंधित है। ये लगभग सारे वार्ड की समस्या है, गाय जोड़ने से संबंधित समस्या है। यदि आपके माध्यम से शहरवासियों को ये पता चले कि गाय जोड़ना कितना कष्टकारी है दूसरे लोगों के लिए, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि कोई वैसा एक जगह सुनिश्चित करे, नहीं तो निगम उस पर कुछ अपना एक्शन लेगी, कुछ कार्रवाई करेगी कि आप अपने नियत जगह पर ही गायों को रखें, यत्र तत्र ना छोड़ें, और अपने जो उनका जो गोबर है या उनका जो मूत्र है उसको सही से निस्तारण करें, नहीं तो निगम उस पर कार्रवाई करेगी। इतना गाय भैंस बना हुआ ना मेरे गेट पास कि हम लोग निकल नहीं पाते, पूरा कचरा नाली में आता है घर में, पूरा अब दिन में जाके भी बैठ नहीं पाते। अब मेरे यहाँ कैंसर पेशेंट है, उतना गंदगी में कोई अगर मर जाएगा, हम मेयर से खुद मिले थे। गाय भैंस जोड़ना वहीं पर उसका सब गंदगी फेंकना, मच्छर होता है, क्लिनिक है, बाहर बाहर के पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए, इन्फेक्शन का डर है। 4 महीने से हम प्रयासरत हैं कि ये जो है गंदगी को हटा दिया जाए। ये है तिलका माझी हटिया के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं हूँ आपके साथ शिखा। भागलपुर नगर निगम में आज तीसरी बार जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन के अलावा वार्ड के परिषद एवं नगर निगम के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं डॉक्टर वसुंधरा लाल। आईडी नीचे करो। हाँ मैडम, आज के जनता दरबार में कितनी तरह की समस्याएं आई और क्या उसका निदान किया? आज हम लोगों का ये तीसरा जनता दरबार था और सब तरह की समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं, उसमें से अधिकतर समस्याएं अतिक्रमण से संबंधित आया, और हमने अतिक्रमण शाखा प्रभारी को भी यहाँ पर रखा था, तो वो भी अपनी समस्या को सुने और बोले कि मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूँगा। जलकल संबंधित था तो उस पर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चा हुई, उनका भी काम होगा। रोड नाला संबंधित था तो उस पर भी काम हो रहा है, उनको भी आश्वासन दिया गया कि हाँ आपका काम होगा। 19 समस्याएं कुल आई हैं इस बार जनता दरबार में, और मैं सारे जितनी भी समस्याएं, कुछ पेंशन संबंधित था, कुछ आवास योजना संबंधित था, तो सारी समस्याओं का निदान मैं चाहती हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो। और मैं जो जनता है उनसे मोबाइल नंबर ले ली हूँ, जो भी समस्या का समाधान निकलेगा मैं उनको खुद अपने से फ़ोन करके बताऊंगी कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है। और मैं आग्रह करती हूँ आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कि आपके पास जो भी समस्या हैं वो आप हिचके नहीं, आप झेपे नहीं, और हम तक अपनी समस्या लेकर आए। हम सब, मैं डिप्टी मेयर साहब, हमारे सारे पार्षदगण, यहाँ के अधिकारीगण, कर्मचारीगण सब लगे हुए हैं आपकी समस्या को निदान करने के लिए। आप अगला जनता दरबार में फिर मिलें अगले मंथ के लास्ट मंगलवार को और अपनी समस्या लेकर गए। हम लोग तत्पर हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। समस्या मैडम ऐसी भी थी कि तीसरे बार लोग पहुंच रहे, तो आखिर काम करने में कहां परेशानी आ रही है? ये बहुत कम है, इसकी संख्या बहुत कम है। उसमें से एक है जो कि अतिक्रमण संबंधित है, ये लगभग सारे वार्ड की समस्या है, गाय जोड़ने से संबंधित समस्या है। यदि आपके माध्यम से शहरवासियों को ये पता चले कि गाय जोड़ना कितना कष्टकारी है दूसरे लोगों के लिए, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि कोई वैसा एक जगह सुनिश्चित करे, नहीं तो निगम उस पर कुछ अपना एक्शन लेगी, कुछ कार्रवाई करेगी कि आप अपने नियत जगह पर ही गायों को रखें, यत्र तत्र ना छोड़ें, और अपने जो उनका जो गोबर है या उनका जो मूत्र है उसको सही से निस्तारण करें, नहीं तो निगम उस पर कार्रवाई करेगी। अपना यहाँ घर है तिलका माझी। तिलका माझी में मेरे घर के पूर्व में अवैध कब्जा कर रात दिन गांजा शराब दारू सब चीज़ वहाँ होता है। मंदिर परिसर है मेरे घर के बगल में सटा हुआ। बहुत रिक्वेस्ट किए, यहाँ कमिश्नर को दिए, मेयर को दिए, कमिश्नर कुछ काम अभी तक, एक आदित्य जायसवाल को बोले हैं
कमिश्नर साहब के, उनको दीजिए, उनसे 4 महीना घूमे, अभी एक तो आदेश दिए हैं, ये जो है क्या नाम है शंकराचार्य अतिक्रमण प्रभारी, वही हटाएंगे। वो 4 बार बेचारा गए, खाली हाथ जाने से फायदा नहीं है, वहाँ मारपीट होगा ना, तो गए। अभी बोले हैं हमको जैसी भी अगर उपाय कर दिया जाए, वो नहीं कर रहे हैं, प्रभारी कर देंगे तो हम आपका इतना गाय भैंस बना मेरे गेट पास कि हम लोग निकल नहीं पाते, पूरा कचरा नाली में आता है घर में पूरा, अब दिन में जाके भी बैठ नहीं पाते। अब मेरे यहाँ कैंसर पेशेंट है, उतना गंदगी में कोई अगर मर जाएगा, हम मेयर से खुद मिले थे। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी भी तो बोल रहे हम काम करेंगे, पिछले जून में भी बोले थे काम करेंगे, कहाँ काम कर रही हैं? क्या लगता है अगर कैंसर है? कुछ नहीं, कहे कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं देखने वाला है, कुछ नहीं है ना। पार्षद भी तो यहाँ आकर के बोले तब ना सब, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं काम हो रहा है कहीं, केवल आश्वासन ही है और कोई काम नहीं। नाम बताइए। मेरा नाम कुहेलिका मुखर्जी। हम आए थे कि सड़क पर डॉक्टर्स क्लिनिक है हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा, और गाय भैंस जोड़ना वहीं पर, उसका सब गंदगी फेंकना, मच्छर होता है, क्लिनिक है, बाहर बाहर के पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए, इन्फेक्शन का डर है। 4 महीने से हम प्रयासरत हैं कि ये जो है गंदगी को हटा दिया जाए। कहाँ पर है ये? है तिलका मांझी हटिया के पास, वहाँ पर कम से कम 20 से 25 डॉक्टर हैं, और ये परेशानी है लोगों को। और शाम होते ही मंदिर परिसर में वो क्या बोलते हैं नशा उशा लोग करने लगते हैं, और अगल बगल का एरिया शरीफ लोगों का है, वो लोग डर से विरोध नहीं कर पाते हैं। आज जनता दरबार में क्या हुआ? जनता दरबार में एक बार और हम आके इसको रखे थे, मेयर साहिबा ने आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, वो अपने तरफ से काफ़ी प्रयासरत भी हैं, लेकिन क्या है कि काम तो करना है निगम के कर्मचारी को, वो अगर आदेश का पालन करें तो तुरंत साफ हो जाए। वो ढुलमुल नीति है उनका, आज करेंगे कल करेंगे, करते करते 3 महीना हो गया अभी तक नहीं हुआ है। तो आज फिर हम जनता दरबार में आके याद दिलाए कि निगम का जो कर्मचारी है एक दूसरे पर फेंकता है, कोई बोलता है कि मेरे पास जेसीबी दिलवा दीजिए, तो क्या वार्ड की जनता जेसीबी दिलाए ये निगम में आके, कि निगम के कर्मचारी को ही निगम के कर्मचारी से जेसीबी लेना होगा? इसी पर चर्चा करने के लिए आज बहुत परेशानी। मेरा नाम है राकेश कुमार। वार्ड नंबर 32। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक News 24। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।